नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग एमसेक यूट्यूब चैनल पर मैं आप सेक आप सभी का स्वागत करता हूं। निश्चित रूप से ये वीडियो जो है कि बीएड क्लास के लिए है, जो कि असेसमेंट फॉर लर्निंग के लिए है। एक क्वेश्चन निकल के आता है, उसको देखते हैं फटाफट। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को वीडियो देखने के लिए। साथ ही साथ अगर आप बीएड कर भी लेते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पर सीटीईटी की तैयारी और टीईटी की तैयारी भी करवाई जाती है और अन्य वीडियो भी अपलोड किए जाते हैं जिससे आपको फायदा हो। देखते हैं फिलहाल इस क्वेश्चन को बीएड क्लास के लिए, जो कि निकल के आता है, एक रचनात्मक प्रतिमान में अधिगम का आकलन एवं मूल्यांकन परिपेक्ष क्या होता है, यानी कि प्रोस्पेक्टिव ऑन असेसमेंट एंड इवेल्युएशन ऑफ लर्निंग इन द कंस्ट्रक्टिव पैराडाइज्म। देख सकते हैं इसका क्या परिपेक्ष होता है, मूल्यांकन के परिपेक्ष में जो रचनात्मक प्रतिमान है उसके में उसमें जो निकल के आता है अधिगम का आकलन क्या होता है। तो देखते हैं इसमें, सबसे पहले इंट्रोडक्शन के रूप में यहाँ समझ लेते हैं कि मूल्यांकन एक प्रक्रिया के रूप में मनोवैज्ञानिक है। देख सकते हैं मूल्यांकन जो होता है, जो असेसमेंट होता है, इवेल्युएशन जो होता है, वह क्या है, तो एक प्रक्रिया के रूप में मनोवैज्ञानिक है। सच बात है, यहाँ देख सकते हैं मूल्यांकन के द्वारा बालक को अपने सफलता के मापन में सहायता मिलती है। जो बालक कितने सफल हुआ किसी भी शैक्षणिक कार्यक्रम के बाद, शिक्षा लेने के बाद कितना सफल हुआ, इसकी मापन करने में सहायता मिलती है मूल्यांकन के द्वारा। यहाँ देख सकते हैं वह अध्ययन करने को तत्पर रहता है कौन, तो स्टूडेंट। और मूल्यांकन की प्रविधियों को इसलिए उद्देश्यपूर्ण और विश्वसनीय होना आवश्यक होता है। मूल्यांकन की जो प्रविधि है, मूल्यांकन की जो सिस्टम है, उसको इसलिए विश्वसनीयता होना जरूरी है और उद्देश्यपूर्ण होना जरूरी है, क्योंकि देख सकते हैं मूल्यांकन के द्वारा जब हम किसी भी बालक का जो व्यक्तिगत प्रगति के बारे में पता लगाते हैं या भविष्यवाणी करते हैं, तो इसके लिए उसमें विश्वसनीयता, मूल्यांकन में विश्वसनीयता और उद्देश्य होना बेहद जरूरी होता है। यहाँ देख सकते हैं उसके बाद निकल के आता है मूल्यांकन के लिए जो भी विधि अपनाई जाए वह पूर्ण रूप से स्पष्ट होनी चाहिए। आप जो भी विधि से, जिस विधि से आपने मूल्यांकन कर रहे हो, बच्चे का इवेल्युएशन कर रहे हैं, तो वो विधि स्पष्ट रूप से उन बच्चे में जानकारी होनी चाहिए कि हम आपका एग्जामिनेशन अभिन्न तरीके से या अभिन्न तरीके से लेने जा रहे हैं। तो आपको इसके लिए पहले से बताना होगा उस एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या होगा, प्रारूप क्या होंगे, तो इस बात को पहले से आपको स्पष्ट कर देने होंगे। यहाँ देख सकते हैं उसका आधार, देख सकते हैं मापन की क्रिया होनी चाहिए। इसी कारण पहले से मूल्यांकन के लिए उचित मानदंडों का निर्धारण कर लेना चाहिए। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया उसकी प्रविधि, मूल्यांकन का जो किस रूप में आप लिए जा रहे हैं, एग्जामिनेशन लिखित ले रहे हैं, मौखिक ले रहे हैं और या प्रायोगिक ले रहे हैं, तो इन बातों को आपको पहले बता देना होगा या उसकी सिलेबस को जारी कर देना होगा उसके मूल्यांकन का। यहाँ देख सकते हैं यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो मूल्यांकन असंभव है। ऐसा अगर नहीं करते हैं तो आप निश्चित रूप से आपका मूल्यांकन असफल हो जाएगा। आप जो उद्देश्य को लेकर के आपने मूल्यांकन कर रहे होंगे वो उद्देश्य आप नहीं प्राप्त कर पाएंगे। यहाँ देख सकते हैं निकल के आता है मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित सोपानों का प्रयोग किया जाना चाहिए। अब कौन कौन से सोपान है, यहाँ देख सकते हैं कौन कौन से स्टेप आप कह सकते हैं सोपान को, तो कौन कौन से स्टेप को लिया जाना चाहिए मूल्यांकन के लिए। देख सकते हैं यहाँ पे निकल के आता है पहला पॉइंट में कि शैक्षणिक उद्देश्य का निर्धारण। शैक्षणिक उद्देश्य के निर्धारण में कहा जाता है कि सबसे पहले शिक्षा का सामान्य उद्देश्य निश्चित कर लेना चाहिए। शिक्षा का जो सामान्य उद्देश्य है उसको निश्चित कर लेना चाहिए मूल्यांकन करने से पहले। और उसके बाद जो है कि मूल्यांकन के लिए विषय वस्तु से संबंधित उद्देश्य का निर्धारण कर लेना चाहिए। या जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया कि शैक्षिक उद्देश्य में इन सभी बातों का निर्धारण कर लेना चाहिए कि आपने क्या सिलेबस रखा है, उसकी क्या विषय वस्तु है। तो इन बातों का आप जब पहले से लक्षित कर लेते हैं, उद्देश्य कर लेते हैं, निश्चित कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से मूल्यांकन कर पाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है कि उद्देश्य की व्याख्या। अब उद्देश्यों की व्याख्या यानी आपका एम क्या है, आपका जो है कि देख सकते हैं आपका एम क्या है, गोल क्या है। तो ये कहता है कि जिस उद्देश्य का निर्धारण किया गया है उसकी स्पष्ट व्याख्या की जानी चाहिए, उसकी जो है कि स्पष्ट व्याख्या की जानी चाहिए। यहाँ आप कह सकते हैं आपने वैकेंसी निकाला रेलवे के लिए और एग्जामिनेशन पैटर्न दे दिया आपने बैंकिंग तौर पे, तो ये नहीं होनी चाहिए।
आपको जिस सब्जेक्ट के लिए, जिस उद्देश्य के लिए आपने एग्जामिनेशन ले रहे होंगे, जिस उद्देश्य के लिए आपने मूल्यांकन कर रहे होंगे, तो उस उद्देश्य की व्याख्या कर देना बेहद जरूरी होता है। यहाँ देख सकते हैं परिस्थिति का ज्ञान, परिस्थिति का ज्ञान भी छात्रों की होनी चाहिए कि छात्रों को ऐसी परिस्थिति में रखा जाना चाहिए जहाँ वांछित व्यवहार को प्रदर्शित कर सके, वह वांछित व्यवहार को प्रदर्शित कर सके। अर्थात यह परीक्षा, यह परिस्थिति इस प्रकार होनी चाहिए जो व्यवहार के अभिव्यक्ति में सहायक कर सके। इस प्रकार परिस्थिति का ज्ञान मूल्यांकन के लिए अत्यंत आवश्यक है, यानी कि आप किस परिस्थिति में उसका एग्जामिनेशन ले रहे हैं, कहाँ पर उसका एग्जामिनेशन सेंटर होगा, किस परिस्थिति में होगा, तो इन सभी बातों को आपको ध्यान देने होंगे एग्जामिनेशन या मूल्यांकन करने से पहले, आपको इन स्टेप को अपनाना होगा। उसके बाद देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट एंगल क्या आता है, मूल्यांकन की प्रविधि का चयन। देख सकते हैं मूल्यांकन आप किस तरीके से ले रहे हैं, ऑनलाइन ले रहे हैं, ऑफलाइन ले रहे हैं, लिखित ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं। देख सकते हैं परिस्थिति का ज्ञान होने जाने के पश्चात उन प्रविधियों का चयन होना चाहिए जो बालक के इच्छित व्यवहारों के संबंध में प्रमाण प्रस्तुत कर सकता है। देख सकते हैं ये कह रहा है कि जो बालक की इच्छा है व्यवहार के संबंध में, तो उन सभी बातों को प्रमाणित कर सके ऐसी आपकी प्रविधियों का चयन करना चाहिए। मूल्यांकन की ऐसी प्रविधि का चयन किया जाना चाहिए। यहाँ देख सकते हैं मूल्यांकन प्रविधियों का निर्माण किस तरीके से किया जाना चाहिए, तो कभी कभी जानने के लिए कि बालक में क्या व्यवहारिक परिवर्तन आए हैं, मूल्यांकन की कुछ प्रविधियों की रचना करनी पड़ती है। मूल्यांकन की कुछ प्रविधि को आप खुद से रचना करना पड़ता है यहाँ पर, तो ये इसमें आप कर सकते हैं। इसकी इन प्रविधियों की रचना करते समय विशेष सावधानी रखी जानी चाहिए, आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए कि आपने कहीं कुछ ऐसे प्रश्न तो नहीं डाल दिए जिसे कि सारे के सारे बच्चे सॉल्व नहीं कर पाए। तो इसमें आपके जो पैटर्न है, प्रविधि है, जिस तरीके से प्रश्न डालने की प्रक्रिया है, तो उस प्रविधि को अपनाते हुए, उस कैटेगरिया को अपनाते हुए आप कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं उसके बाद निकल के आता है यहाँ पे कि प्रविधि का प्रयोग, किस तरीके के प्रविधि का आप प्रयोग कर रहे हैं। तो अब बालक के में व्यवहारिक परिवर्तनों को जानने के लिए प्रविधि, देख सकते हैं प्रविधि का प्रयोग किया जाता है, जो बालक में किस तरीके का व्यवहारिक परिवर्तन हुआ है इस चीज को जानने के लिए प्रविधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है प्रदत्तों के प्राप्ति, यानी कि पूर्व अवस्था में कितना परिवर्तन हुआ है, और पूर्व अवस्था जो था उनका उसमें कितना परिवर्तन हुआ है, उनका मापन करके एकत्रीकरण करना तथा उनको सूची स्वरूप व्यवस्थित करना, ये भी एक कार्य हो जाता है जो कि निकल के आता है प्रदत्त की प्राप्ति से। यानी कि प्रदत्त की का जो नेक्स्ट पॉइंट है, प्रदत्त का विश्लेषण। देख सकते हैं प्रदत्त का विश्लेषण में कहा जाता है कि आंकड़ों का विश्लेषण किया जाए और निष्कर्ष निकाला जाए कि प्रगति किसके कारण और कितनी मात्रा में हुई है। अर्थात कुछ प्रमाण एकत्रित करना आवश्यक हो जाता है जिससे कि प्रदत्तों का विश्लेषण किया जाना चाहिए। और उसके बाद देख सकते हैं नौवां पॉइंट में निकल जाता है, नेक्स्ट पॉइंट है कि प्राप्त साक्ष्यों का विवेचन, प्राप्त साक्ष्यों का विवेचन करना चाहिए। देख सकते हैं यहाँ पे निकल के आता है जब प्रविधि का प्रयोग किया जाता है और साक्ष्य यानी कि एविडेंस, देख सकते हैं साक्ष्य का मतलब कि एविडेंस या फिर गवाह कह सकते हैं आप, को अभिलेख में दर्ज कर लिया जाता है, यानी कि जो आपका रजिस्टर है उसमें अभिलेख में आप दर्ज कर लीजिए उसको, तो उनका विवेचन करने में भी आवश्यक हो जाता है, उनका विवेचन करना भी आवश्यक हो जाता है। प्राप्त साक्ष्यों का जब विवेचन करते हैं तो ये भी आवश्यक हो जाता है कि उसका जब आप एविडेंस है, जो उसका साक्ष्य है, उसको आप अभिलेख में दर्ज कर लें, तब उसका विवेचन कर पाएंगे आप निश्चित रूप से। देखते हैं दसवां में निकल के आता है टेंथ जो है पॉइंट है निष्कर्ष निकालना। अब निष्कर्ष निकालना किस प्रकार से होता है कि प्रक्रिया की, मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है उसमें कुछ विशेष बात और कुछ विशेष ध्यान दिया जाता है। देख सकते हैं इसमें कुछ विशेष बात की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है, जिसमें कि निम्नलिखित बात हो सकते हैं कौन कौन से, तो पहला निकल गया था इसी से कि परीक्षण का संभाव्य उच्चतम एवं निम्नतम प्राप्तांक क्या है। ये चीज आपको ध्यान देने होंगे कि सबसे कम अंक किसने लाए, कितने लाए, और उच्चतम अंक कितने लाए, कौन लाए, तो इस बात को आपको ध्यान देने होंगे। उसमें देख सकते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है कि कक्षा में उच्चतम एवं निम्नतम जो प्राप्तांक है, किसी एक स्पेसिफिक क्लास में क्या निम्नतम है, हाईएस्ट मार्क कितना है और लोएस्ट मार्क कितना है, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है कि कक्षा का औसत प्राप्तांक क्या है, उन सभी कक्षा है उसमें
और एक पर्टिकुलर कक्षा में कितनी औसत प्राप्तांक है, इस बात का भी आपको ध्यान रखने होंगे। अब देख सकते हैं उसके बाद है यहाँ पे कि कक्षा के विशिष्ट छात्र के क्या स्थिति है, उसकी जो विशिष्ट छात्र है उसकी क्या स्थिति है, कक्षा में जो जो विशिष्ट छात्र है उसकी क्या स्थिति है, इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद निकल के आता है कि क्या किसी छात्र ने अपनी योग्यता का सर्वोत्तम स्थान प्रारंभ प्राप्त कर लिया है, तो आप इस बात का भी ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है यहाँ पे कि भविष्यवाणी, उसी से निकल के आता है। सबसे पहले देखें यहाँ पे कि मूल्यांकन की प्रक्रिया में आत्म विवेचन भी अत्यंत आवश्यक है। उसका जो आत्म विवेचन है, आत्म का विवरण जो अपना तरह से उस मूल्यांकन में प्रेरित कर सकता है, जो प्राप्त कर सकता है, बता सकता है, तो ये होना बेहद ही अत्यंत आवश्यक है, देख सकते हैं। इसी कारण शिक्षक का यह कर्तव्य है कि छात्रों को मूल्यांकन संबंधी समस्त सूचनाओं से अवगत कराएं और मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को श्रेष्ठ कार्य करने की प्रेरणा दें। उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है कि भविष्यवाणी, जो कि लास्ट पॉइंट है, देख सकते हैं। आपको अगर यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आप अगर जो है कि एक विषय का मूल्यांकन किया जा चुका है तो उस समस्या से संबंधित अन्य पहलुओं का भी इसी आधार पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए और कारणों का पता लगाया जा सकता है। देख सकते हैं कि जब आप पहले से एक विषय का मूल्यांकन कर चुके हैं और उसी समस्या से संबंधित अन्य पहलू का भी इसी आधार पर मूल्यांकन किया जा सकता है और देख सकते हैं कि कह रहा है कि कारणों का पता भी लगाया जा सकता है उन्हीं आधार पर जिससे आधार पर हमने एक विषय का मूल्यांकन कर चुका है। उसके बाद देख सकते हैं किसी छात्र के विषय में भी भविष्यवाणी की जा सकती है, किसी छात्र के विषय में भी भविष्यवाणी की जा सकती है। यहाँ देख सकते हैं कि निकल के आ रहा है आगे पॉइंट कि इसी किसी विस्तृत समस्या का भी समाधान किया जा सकता है। अंततः मूल्यांकन का क्षेत्र विस्तृत होता है, मूल्यांकन का क्षेत्र विस्तृत होता है परीक्षा से, एग्जामिनेशन से और आकलन से, इन सभी चीजों से मूल्यांकन का क्षेत्र बड़ा होता है। इस वीडियो में आपको देखने को मिले कि मूल्यांकन का जो परिप्रेक्ष्य में रचनात्मक दृष्टिकोण से जो है कि क्या है रचनात्मक प्रतिमान, क्या है उसका प्रोस्पेक्टिव ऑन असेसमेंट यानी कि रचनात्मक दृष्टिकोण से इवेल्युएशन, अधिगम और लर्निंग, देख सकते हैं मूल्यांकन और लर्निंग का क्या कंस्ट्रक्टिव पैराडाइज्म है, तो इसके बारे में हम इस वीडियो के अंतर्गत समझे। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।